आप सभी लोगों से अनुरोध है, आग्रह है कि आप सभी लोग आए एवं स्क्रीनिंग एवं टेस्टिंग अवश्य करवाए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हर दिशा में आपके साथ खड़ा है। भोपाल में आज संघ के स्वयंसेवक एक कॉलोनी में जा करके स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का काम भी कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट के माध्यम से कोरोना की जांच कर रहे हैं और लोगों को जरूरी सलाह दे रहे हैं। हमारे स्वयंसेवक इस कार्य के लिए रोड पर उतरे हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और आइसोलेशन एवं अगर किसी को कोविड केयर की व्यवस्था की आवश्यकता है ऐसी उनको संपूर्ण ट्रेनिंग देकर के उनको रोड पर उतारा गया है, जिससे वो लोगों के दरवाजे पर जाकर के कॉलोनी में जाकर के स्क्रीनिंग करें, टेस्टिंग करें और उन एरियाज में करें जहां पर ये संक्रमण अभी कम है, जिससे इस चेन को यहीं पर रोका जाए। तो मरीज संक्रमित हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके लिए बेड की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। भारी स्तर पर ऑक्सीजन उनको उपलब्ध हो सके, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही वहाँ भी कार्यकर्ता हर स्तर पर कार्य करके उनके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। प्लाज्मा के लिए भी हमारा एक हेल्प डेस्क बना हुआ है, जो भी 3 महीने के अंदर अभी ठीक हुए हैं उनको किस प्रकार से उनको प्लाज्मा मिल सके, जिनको आवश्यकता है उनको भी प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को जो अब ठीक हो गए हैं तो प्लाज्मा भी उपलब्ध कराया जा रहा है।